महाराष्ट्र राज्य आपराधिक गतिविधि रोकथाम कानून के तहत विभिन्न आपराधिक मामले में लिप्त कुख्यात आरोपी को स्थानीय अपराध शाखा ने पकड़ा है। आरोपी का नाम नागपुर जिले के कोराडी रोड स्थित कूलर कंपनी के पीछे रहने वाले जीवेश उर्फ आतिश सोनटक के उर्फ फ्रांसिस ऑस्टिन रॉबर्ट उम्र 25 वर्ष होकर फिलहाल वह कस्तूरबा गांधी वार्ड निवासी है। उक्त आरोपी की कारागृह में रवानगी की गई है। यह कार्रवाई 20 अक्टूबर को की गई। जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी पर 9 गंभीर मामले दर्ज है, जिसके तहत स्थानीय अपराध शाखा द्वारा यह कार्रवाई की गई। यह 1.5 माह के भीतर की तीसरी कार्रवाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 से आरोपी पर भंडारा पुलिस स्टेशन और नागपुर जिले के कोराडी स्टेशन अंतर्गत डकैती, हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, सरकारी कर्मचारी पर हमला, हथियार पास रखना ऐसे विभिन्न 9 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसके कारण सामाजिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर के आदेश के अनुसार आरोपी को जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में प्रस्ताव तैयार कर उसे 20 अक्टूबर को कारागृह में डाला गया। यह पूरी प्रक्रिया जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी, पुलिस उपनिरीक्षक अनंता गारमोड़े, पुलिस हवालदार राजेश पंचबुद्धे, कृष्णा बारेकर, बाला वरकड़े, साजन वाघमारे, पुलिस नायक अंकुशपुराम, संजय कुकड़े, सुनील राठौड़, पुलिस सिपाही नरेंद्र झलके, राजेंद्र लाम्बट आदि ने की है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।